चरितमानस को नहीं जानता है, जिस भारत के महान पुरुष इंडोनेशिया में रामचरितमानस की रामलीला होती है, और जो शिक्षा मंत्री है उसको यह मालूम नहीं, उसके डीएनए में ही दोष है, जो क्रिश्चियन का ही मैंने क्रिश्चियनत और धर्मों के बीच से पैदा हुआ है चंद्रशेखर, जो रामायण का नहीं जानता है। ऐसे तो जानकारी है, शिक्षा मंत्री तो बना दिया बिहार सरकार ने, राजद के कोटे से उन्होंने शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन ज्ञान तो उनको जीरो है, अज्ञानी आदमी है। इतना ही तर्क करना है तो आ जाए टीवी पर डिबेट करे रामचरितमानस पर, हम लोग साथ बैठकर। अरे प्रोफेसर काय को प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर को तो जूते से मारना चाहिए, अगर नहीं संभले इस प्रकार के और मीडिया के सामने आकर के माफी नहीं मांगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन करेगा, बर्दाश्त। सबसे पहले उनका जो बयान दिए हैं वो बयान वापस ले और आके सभी बिहार के जनता से वो माफी मांगे, नहीं तो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के कितना निर्दोष की हत्याएं हुई समाज में, हमारे देश में कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, इसी तरह के सेंटिमेंट जगा करके ये व्यक्ति और दंगा कराना चाहता है बिहार में, ताकि इसको आप सभी का स्वागत है द लार्ज मेयर, मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और बिहार के शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर सिंह है, उसका विवादित बयान सामने आया है और उसके आवाज में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने आज उनका पुतला दहन किया गया है। क्या बोल दिया कि लगातार उनका विरोध प्रदर्शन? आपको जानकारी है कि आज पूरे टीवी चैनलों पर ये सरकार के अंदर ऐसे कुकर्मी इंसान जो इनको ज्ञान ही नहीं है कि किस पर कैसा आपत्तिजनक टिप्पणी कर बैठते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विवादों में हमेशा घिरे रहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनका एक विषय आ गया रामचरितमानस पर, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। पूरा हिंदू समाज या भारत की धरा टिकी है तो रामचरितमानस पर है। क्या वाल्मीकि रामायण, भगवान तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखा पूरी तरह से राम जी का चरित्र उस पर निर्भर है, या भारत जो है राम की धुरी पर आधारित है? हम राम या भारत की भूमि उनकी आत्मा विराजमान करती है, राम काल्पनिक कभी हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को अविलंब बिहार सरकार बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो अभी पूरे हर जिले के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री को FIR दर्ज करेंगे हम, और चरणबद्ध आंदोलन करके जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देंगे। ये साधारण सा भी तेरे मनुस्मृति के बारे में बोल दिया और रामचरितमानस के बारे में बोल दिया, ऐसी तो सबको आज़ादी है। ये कहते हैं लोग भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी। अरे जब तक अगर बुत्ता है तो किसी इस्लाम के बारे में, किसी उनके धर्म ग्रंथ के बारे में बोल करके दिखाओ, वोट की राजनीति कर लिए अपने आप को कलंकित क्यों कर रहे हो? तुम सनातन धर्म को मानने वाले हो, अपने घर में अपने माँ बाप से जाकर के पूछो। मैं राजेंद्र प्रसाद से पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके घर में रामायण पाठ का पाठ नहीं होता है? जितने देश के अंदर जो रामचरितमानस का पाठ करने वाले जितने प्रवचन करता है वह सब गलत है क्या? रामचरितमानस अगर गलत है तो यह सत्य सनातन धर्म कैसे बचा? कुछ ही पंक्ति से उनको तकलीफ है ना है? लोग रामचरितमानस से नहीं है उनको दिक्कत, कह रहे कि कुछ उसमें जो श्लोक है उससे हमको तकलीफ। अगर इतने ही श्लोक के बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री को जानकारी है, शिक्षा मंत्री तो बना दिया बिहार सरकार ने, राजद के कोटे से उन्होंने शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन ज्ञान तो उनको जीरो है, अज्ञानी आदमी है। इतना ही तर्क करना है तो आ जाए टीवी पर डिबेट करे रामचरितमानस पर, हम लोग साथ बैठकर। प्रोफेसर हैं वो? अरे प्रोफेसर काय को प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर को तो जूते से मारना चाहिए, अगर नहीं संभले इस प्रकार के और मीडिया के सामने आकर के माफी नहीं मांगा
तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन करेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई गीता के बारे में आकर के बोल दे, कोई रामायण के आगे बोल दे, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में आकर के बोल दे, ये कब तक हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा? ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार का कृतज्ञ घटना किया हूँ उन्होंने, अगर अपनी बात वापस नहीं ली तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चरणबद्ध आंदोलन करेगा, हम FIR करेंगे उनके ऊपर। आपका परिचय? मैं जनमेजय कुमार, बजरंग दल क्षेत्र संयोजक, बिहार झारखंड। ये बताइए, जब भी किसी धर्म पे, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, दूसरे धर्म पर जब कमेंट किया जाता है तो लोग, जो धर्म के लोग हैं, उसको स्पष्ट नहीं करते हैं, सिर्फ विरोध करते हैं, जिसे जनता समझ भी नहीं पाती कि आखिर मामला क्या। देखिए, इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या है कि ये बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, खुद प्रोफेसर हैं, और दीक्षांत, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये आदमी कह रहा है कि जो है रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने की का ग्रंथ है। इससे अब स्पष्ट और क्या हो सकता है? और उस आदमी को इतना समझ नहीं है, जिस रामचरितमानस के, जिस राम के चरित्र को पूरा दुनिया मानती है, यहाँ तक कि इस्लामिक देश भी रामचरितमानस को मानता है, अपने यहाँ रामलीला का आयोजन करवाता है, उस रामचरितमानस को जो मिसाल दिया जाता है कि ये रामराज हो जाए, उस रामचरितमानस को जिन्होंने एक वाल्मीकि समाज का पेड़, महर्षि वाल्मीकि द्वारा चरितार्थ किया गया, लिखा गया, उस रामचरितमानस का ये अपमान है। और ये एक सुनियोजित तरीका से RJD के बड़े नेताओं द्वारा उनको ये लग रहा है कि हमारा वोट बैंक, जो मुस्लिम समुदाय था, हमारा मुस्लिम समुदाय वोट बैंक हमारा घिसक रहा है, मुस्लिम समुदाय राजद से बात दूर हो रहा है, इसलिए इस तरह की विवादित बयान दिया जा रहा है। हम आम जनता का सेंटिमेंट को जगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दंगा फसाद हो जाए। आपको याद होगा पिछली बार जो नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के कितने निर्दोष की हत्याएं हुई समाज में, हमारे देश में कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, इसी तरह का सेंटिमेंट जगा करके ये व्यक्ति और दंगा कराना चाहता है बिहार में, ताकि इसको लाभ पहुंचे। आपका नाम? मैं अरविंद श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सरपंच संघ बड़रिया। ये बताइए कि चंद्रशेखर जी ने बोला कि वो जातीय भेदभाव उत्पन्न करता है, इसलिए हम अपने नाम के साथ किसी भी जाति को टाइटल जाति के रूप में नहीं लगाए हुए हैं, तो इस तरह से वो देखिए, सबसे पहले उनका जो बयान दिए हैं वो बयान वापस ले और आके सभी बिहार के जनता से वो माफ़ी मांगे, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद, ये हम लोग एक प्रखंड लेवल पे आज धरना प्रदर्शन किए हैं, आक्रोश मार्च निकाले और उनका पुतला दहन कर रहे हैं, वैसे पूरे बिहार भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धरना प्रदर्शन करेगी। इसलिए अभी भी उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि आ करके माफ़ी मांगे और अपने बयान को वापस ले, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज रामचरितमानस के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका परिचय? रंजन सिंह, बजरंग दल जिला संयोजक सीमान। उनका कहना है कि दलितों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, वह चंद्रशेखर जी के DNA में ही दोष है, जिनके DNA में दोष है, जो रामचरितमानस को नहीं जानता है, जिस भारत के महान पुरुष इंडोनेशिया में रामचरितमानस की रामलीला होती है, और जो शिक्षा मंत्री है उसको यह मालूम नहीं, उसके DNA में ही दोष है, जो क्रिश्चियन का ही, मैंने क्रिश्चियनत और धर्मों के बीच से पैदा हुआ है चंद्रशेखर, जो रामायण का नहीं जानता है, ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र शाहपुर, मुखिया बरहड़िया। सरपंच साहब, क्या मामला है, कैसे ये सुलझेगा जो उन्होंने? देखिए, जो सुलझाने की बात है तो वो स्वयं तय करेंगे, इसमें विश्व हिंदू धर्म मानने को तैयार नहीं है। जब तक सार्वजनिक स्थल पे आकर के पूरे हिंदू समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करते रहेगा, जगह जगह जाम करते रहेगा। अभी तो एक प्रखंड स्तर का ही कार्यक्रम है, आज से पूरे बिहार में हर प्रखंड, हर पंचायत लेवल पर हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। वो प्रोफेसर हैं, आप पढ़े हैं रामचरितमानस को? देखिए, प्रोफेसर को ज्ञान है और प्रोफेसर है, पैसे के बल पर प्रोफेसर बना हुआ है, हो सकता है उसका बैकग्राउंड ऐसा ही है कि करप्शन के पैसे से लूटा हुआ प्रोफेसर बन चुका है, वो पढ़ के प्रोफेसर बना ही नहीं है, अगर पढ़ा होता प्रोफेसर तो ऐसा बयान नहीं देता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम परमेश्वर कुमार, जिला सहमंत्री सीवान। क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुख की बात है और बहुत घिनौनी बात है कि बिहार का शिक्षा मंत्री, जिसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं मालूम है, कि प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षी बात कही जाती है प्रस्तावना में,
लेकिन एक धार्मिक बयान दे करके एक मंत्री जो अपने आप को प्रोफेसर कहलाता है, यह धर्म निरपेक्षता को ललकार रहा है, जबकि भारत जो है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, और इस तरह से धार्मिक बात बता करके जनता को भड़काने का काम किया है। भारत का संविधान कहता है कि सबको अपनी आस्था है, सबको अपने धर्म मानने की आज़ादी है, और दूसरे धर्म को हम निंदा नहीं करेंगे। इस तरह से बयान जो दिए हैं, आपका परिचय? मैं विनोद कुमार, प्रखंड महासचिव सरपंच संघ बढ़रिया।